अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरी अभी सुबह हुई और घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं अभी जाऊँगा शॉप। और पॉडकास्ट की वीडियो अपलोड हो गई है इस ब्लॉग में, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखें, काफ़ी इंजॉयमेंट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट दोबारा आने वाला है, बट अब टाइम नहीं बताऊँगा कब आएगा, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने संडे का टाइम बता दिया था और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, क्योंकि पॉडकास्ट की शूटिंग वगैरह हुई, फिर उसको एडिट करना, फिर उसको पोस्ट करना, काफ़ी ज़्यादा थक चुका था मैं। इस वजह से नेक्स्ट पॉडकास्ट भी काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो हम लोग आज का व्लॉग अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ही थक चुका था। और पॉडकास्ट की मैं आप लोगों को बताऊं उसका स्टोरी क्या था, शायरों वाला लड़का और किताबों वाली कहानियाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो पॉडकास्ट। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखें उसको और इन्जॉय करें, और प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि उसमें क्या चीज़ आप लोगों को समझ आया, क्या चीज़ समझ नहीं आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट काफ़ी जल्दी आएगा। अब मैं जा रहा हूँ शॉप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया, शॉप पे ही जाके नाश्ता वगैरह कर लूँगा। तो अब चलते हैं हम लोग जल्दी से शॉप। यार अब चले हम लोग जल्दी से शॉप, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मैं शॉप से आया हूँ अभी घर, तो वीडियो अपलोड करना है। और माशाल्लाह से आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिखाया उस पॉडकास्ट पर, तो इंशाल्लाह ये लैपटॉप ऑन हो रहा है, इंशाल्लाह दूसरा पॉडकास्ट भी आने वाला है। और यार मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल, दिन था ब्लॉग बनाने का, लेकिन डेली ब्लॉग कर रहा हूँ तो बनाना तो पड़ेगा, लाजमी है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगता है नज़र लग गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा स्टेटस वगैरह सबने लगाया, मैंने खुद लगाया, फिर पॉडकास्ट की वीडियो डाला, ये मेरा फर्स्ट था, सब ने देखा मुझे माशाल्लाह से, और काफ़ी ज़्यादा सारे खानदान में भी सब ने देखा मुझे कि पहली मरतबा शेवी ने कुछ किया है, इस वजह से यार नज़र लग गया। तभी मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करके जाऊँगा शॉप, क्योंकि यार कॉलेज भी नहीं गया, फ्राइडे को शूटिंग था, फ्राइडे को भी नहीं गया, सैटरडे छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, आज है मंडे, तो आज लाजमी जाना है मुझे। तो अभी मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करके जा रहा हूँ शॉप, फिर आऊँगा खाना वगैरह खाऊँ। यार सबके कमेंट्स आए कि आपने जो लाइन्स बोली थी ना, जो मैंने अपना बोला था, वो तो दूसरे तो गेस्ट थे वो बोल ही रहे थे, सबने कहा यार आपकी लाइन जो थी वो बिल्कुल एंड। तो मैं सोचा हूँ ये लाइन्स मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे ये लाइन्स बोल कर, जैसे पोटली वगैरह करके, वो मैं लाइन्स डालूँगा अपने टिकटॉक आईडी पे। अगर किसी को लेना है वो लाइन्स, जैसे कैप्शन वगैरह करना है, कुछ करना है, तो वो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे चले जाए, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपने टिकटॉक अकाउंट का भी लिंक दे दूँगा। और वो तो अभी पोस्ट नहीं करूँगा, इंशाल्लाह 3-4 दिन में करूँगा वो लाइन्स बोल कर, काफ़ी अच्छा एडिट वगैरह भी करना उसको, तो वो आप लोग जाके मेरे टिकटॉक अकाउंट से जो करना हो उसको कर लेना, लेना हो ले लेना, जो भी स्टेटस वगैरह डालना हो ले लेना, क्योंकि यार वो पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट में तो आप लोग कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो काफ़ी लंबा था। लेकिन मैंने सोचा है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्टा पे मैसेज वगैरह आए कि यार आपकी लाइन्स काफ़ी अच्छी थी, आप ये लाइन्स बोलो और इंस्टा पे रील डालो, इंस्टा पे भी मैं रील डाल दूँगा, लेकिन मैं अपने टिकटॉक अकाउंट पे डाल दूँगा। तो आज के ब्लॉग में मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम लिंक भी डाल दूँगा, आप लोग जाके देख लेना और उसको शेयर वगैरह भी ज़रूर करें। वीडियो अपलोड हो गई है, लैपटॉप भी बंद कर दिया, मैं जा रहा हूँ सीधा शॉप, यहाँ से नींद आ रही है और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। जिस दिन से पॉडकास्ट की मैंने शूटिंग वगैरह की उस दिन से काफ़ी ज़्यादा थका हूँ, नींद से तो मैं बिल्कुल पागल, उठा भी आज 1 बजे हूँ लेकिन नींद भी अभी भी आ रहा है, क्योंकि रात को भी मैं जल्दी सो गया था, इतना ज़्यादा काम वगैरह नहीं था, लेकिन अभी ज़्यादा ही थक चुका हूँ, जा रहा हूँ सीधा शॉप। सभी शॉप से मैं घर आया हूँ, खाना वगैरह खाऊँगा, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, कुछ काम है वो करूँगा, फिर उसके बाद शाम में जाऊँगा पढ़ूँगा। यार मैं घर आया था तो सो गया था, तबीयत सही नहीं है, अभी सो कर उठा हूँ, जा रहा हूँ शॉप पे, रात भी डायरेक्ट जाऊँगा कॉलेज, क्योंकि कॉलेज का भी टाइम होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल। कॉलेज का टाइम हो गया और मैं रेडी हो गया, जा रहा हूँ जल्दी कॉलेज, काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो चुका है।
आज मैंने अपने क्लास की वीडियो बनाई थी और डिजाइन भी माशाल्लाह अच्छा बनाया। टाइम वेस्ट हो गया, सर नहीं आए, टाइम ज़ाया हो गया मुझे, कुछ काम था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मेरा टाइम ज़ाया हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर। फाइनली मैं कॉलेज से आ गया और यार बहुत ख्वारी हो गई, सर नहीं आए थे, टाइम भी ज़ाया हुआ और पता भी नहीं था, अगर पता होता ना मैं कॉलेज जाते ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह मेरा कैसे सर में दर्द था, थोड़ा मैं सोया तो फ्रेश हो गया और मैंने आज बनाया कंप्यूटर पर डिज़ाइन। सर नहीं थे, थोड़ा कॉलेज का वीडियो बना लिया, लेकिन आज मैं बनाया कंप्यूटर पर कुछ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा। आप लोग देखना और कमेंट में ज़रूर बताना वो आप लोग को डिज़ाइन कैसा लगा। और पॉडकास्ट की वीडियो अपलोड हो गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और जो आप लोगों ने इंस्टा पे मुझे मैसेज वगैरह किया कि यार आप वो अपना शेयर डालो तो इंशाल्लाह वो मैं शेयर बोलकर उसको एडिट वगैरह करके अपने टिकटॉक अकाउंट और इंस्टा पे रील भी डालूंगा। अगर किसी को चाहिए हो तो वहाँ से शेयर कर लेना, सेव वगैरह कर लेना, या मुझे मैसेज करना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, मुझे सपोर्ट करें। पहले ही आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक है, मुझे मुझसे बोला नहीं जा रहा, नेक्स्ट पॉडकास्ट काफ़ी जल्दी आने वाला है। तो आप लोग दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे। तो आज का लोग यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह।